अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में बिलीव इन पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम हमेशा से अपने हीरोज़ और मुल्क पाकिस्तान के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा खिदमत होती है, स्पेशल बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उन लोगों से मिलवाते रहते हैं। आज हमेशा की तरह हम उस रवायत को बरकरार रखते हुए एक लाहौर की शान, और ना सिर्फ लाहौर की बल्कि अब पाकिस्तान की शान उनको कहा जा सकता है, हर दिल अजीज़ शख्सियत। और मेरी खुशकिस्मती है कि एक इंटरव्यू पहले भी उनका किया है हमने, और आज सेकंड उसका समझ लीजिए कि आज अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा उनको एक मकाम दिया, इज़्ज़त दी है। तो मेरे साथ मौजूद है जी फेडरेशन के प्रेसिडेंट इरफान इकबाल शेख साहब, जो किसी तारीफ के मुहताज नहीं। बहुत सारी चीज़ें उनके क्रेडिट्स में हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इस सफ़र में आज की कहानी उन्हीं की ज़बानी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। मेरे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है, वही बात लाहौर की शान, ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की शान। जी अल्लाह का करम है, और सच्ची बात है कि एक जो हमारी कोशिश है कि अपने बिजनेस कम्यूनिटी को साथ ले कर चलें, उनके लिए कुछ काम कर जाएँ, और फिर कि आपका टेन्योर होता है एक या दो साल का होता है टेन्योर, उस टेन्योर में आप मैक्सिमम जो डिलीवर कर सकते हैं वो डिलीवर करके जाएं, ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज के साथ याद रखें और आपके टेन्योर को याद रखें। यही हमारी कोशिश है, यही हमारा अज़म है, यही हमारी जदोजहद है, और इंशाल्लाह इसी पर हमने कार बनाना है। नो डाउट। इरफान साहब, आपसे पहले मुलाकात तो जब हुई थी तो आप बतौर प्रेजिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कामर्स थे, तो अब तो उससे बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है, बड़े भाई का रोल अदा करें, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स का प्रेसिडेंट है, तो क्या सबसे पहले थोड़ा सा फ़र्क बताइएगा एकदम से ये सीट से दूसरी सीट तक आना, कैसा फील करें? हाउ डू यू फील? एक्चुअली लाहौर, यू आर रिप्रेजेंटिंग वन सिटी, नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग होल पाकिस्तान। या बहुत बड़ा फ़र्क है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो वहाँ पे तो आप बात करते हैं अपने लोकेलिटी की, अपने उसकी शहर की और उसकी ज़रूरियात की उसके मुताबिक, बट यहाँ ये तो बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पे ना सिर्फ आपने पाकिस्तान की बात करनी है, बट इंटरनेशनल जितने अफेयर्स हैं उसको भी आपने देखना है, फिर आपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ को देखना है, फिर आपने बजट्स को देखना है, फिर आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स को देखना है, फिर आप 132 आपकी एसोसिएशंस हैं, जो जिसमें आप डिफरेंट एसोसिएशन, जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की नंबर वन है, जिसमें शुगर अपना है, जिसमें फ्लोर टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, मतलब सब बड़ी एसोसिएशंस के अंडर आती हैं। फिर आपके 68 चैम्बर्स हैं जो आपके अंडर आते हैं इसमें, तो ये तकरीबन कोई 400 के करीब जाना वोट्स होते हैं, और हर एसोसिएशन और हर चैम्बर के दो वोट होते हैं, तो ये एक बड़ा स्कैटर्ड से वोट है, बड़ा एक जो आपका कैनवस है ना, वो एक छोटे से शहर से निकल के पूरे मुल्क में फैल गया है, और फिर आपकी जिम्मेदारियाँ उसी तरह से डबल ट्रिपल ये कह लें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और फिर इस मुल्क में इतनी ज़रूरत है काम करने की, क्योंकि इस मुल्क में अभी हम तरक्की पजीर भी नहीं है, हम तो बहुत थर्ड वर्ल्ड अपना मुल्क में आते हैं, तो हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे, हमने उनको भी साथ देके चलना है, फिर अपनी जितनी भी हैं एक्सपर्टीज़ वो देनी है, प्लस हमारे जितने भी इश्यूज हैं हमारे एसोसिएशंस के, हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के, उन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करवाना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में काम करना एक तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है, नंबर दो यहाँ पर इशूज़ भी बेशुमार हैं, और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है
उसमें बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं बट बहुत बहुत बुरे लोग भी हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं। तो उन सबको साथ लेके चलना है, फिर उनसे काम करवाने हैं, तो इट्स अ टफ जॉब। तो सर ये कैसे मुमकिन होगा है? आप ब्रिज का जो रोल अदा कर रहे हैं बतौर प्रेसिडेंट, तो मौजूदा हालात में जो सिनेरियो में अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकली पोजीशन चल रही है, अभी जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब से भी आपका हुआ था सेशन और उन्होंने एक पैकेज भी दिया है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, तो आप लोग सेटिस्फाई हैं उस पैकेज से और आप लोगों के मसाइल उससे हल होंगे या नहीं? कि ज़रूरत है कुछ इससे ज़्यादा होने की या करने की? प्लीज़ मैं आपको थोड़ा सा उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री बता। जी प्लीज़। जब शुरू में गवर्नमेंट ने पैकेज दिया कंस्ट्रक्शन का, हकीकतन मैं आपको बता दूँ, मैं और मेरे साथ जो हमारे अंजुम निसार साहब हैं, जी जी, हम दोनों इससे मुतमईन नहीं थे। हम पहले दिन से कहते थे कि ये कंस्ट्रक्शन पैकेज आ गया, अच्छी बात है, बट बेसिकली वी नीड इंडस्ट्रियल पैकेज। देखिए किसी भी मुल्क को आप देख लें, आप इंडिया को देख लें, चाइना को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, या कोई मुल्क भी देख लें, यूरोप देख लें, जहाँ पे भी तरक्की हुई है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन आई हुई है तो उसके बाद तरक्की हुई है। हम जब तक अपनी इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर नहीं करेंगे, हम अपनी प्रोडक्शन को बेहतर नहीं करेंगे, हम नए नए कारखाने नहीं लगाएंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर पॉसिबल नहीं। आप कोई भी अपना मेन बेसिक आप अपना फूड आइटम्स में, आप कह रहे राइस में, आप वीट में, आप कॉटन में, आप इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करके आप इस मुल्क की इकोनॉमी नहीं चला सकते। एक्सपोर्ट बदकिस्मती से हमारी बहुत थोड़ी है, है ही ना होने के बराबर, ना होने के बराबर 25 बिलियन 25.3 बिलियन की लास्ट ईयर थी, 60 बिलियन से ऊपर आप इम्पोर्ट करते हैं, जो ये जो अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड है इतना अनइवन है कि बड़ा मुश्किल से पूरा होता है, और वो भी अल्लाह का शुक्र है कि आपके रेमिटेंस पिछले साल बेहतर हुई, वरना उससे पहले तो हमारी को 19-20 बिलियन के करीब रेमिटेंस होती थी, और पिछले साल अल्लाह का शुक्र कि हम 31 को टच किया, और मैं समझता हूँ कि इस साल हम इससे ज़्यादा इंशाल्लाह और करेंगे, क्योंकि अभी तक 18 से ऊपर हम क्रॉस कर गए, तो मुझे उम्मीद है कि इस साल हम 32 को टच करेंगे या उससे भी ज़्यादा आगे जाएंगे। तो ये जो हमारा जो ट्रेड जो अपना डेफिसिट है ये इसको हम पूरा करेंगे वहाँ से। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमने कभी भी इंडस्ट्री के ऊपर काम ही नहीं किया, पिछले 10-15 साल से 20 साल से आप देख लें ट्रेडिंग के ऊपर अपना फोकस किया गया, इंडस्ट्री को फोकस नहीं अपना किया गया, और इंडस्ट्री के ऊपर अपना कोई उसको पैकेज नहीं दिए गए जिसकी वजह से इंडस्ट्री पनप ना सकी। फिर उसमें हमारा जो FBR का सिस्टम है वो बहुत पैथेटिक है कि वो आगे लोगों को बढ़ने नहीं देता, ग्रो नहीं करने देता, हालांकि ये महकमे जितने भी हैं ये इंस्टीट्यूशन का ये मेन काम होना चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन तो ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करें, बट लोगों को बिजनेस ग्रो करने में उनको हेल्प करनी चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए उनके लिए, नहीं करते, हर्डल क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारे हमारे पास इश्यूज़ हैं, इन सारे इश्यूज़ को हमने आगे लेके चलना है। देखिए सबसे पहली ज़रूरत जो ना जो पाकिस्तान में जो मैं समझता हूँ जो मेरी प्रायोरिटी में है, पहला था कि मैं एक इंडस्ट्रियल पैकेज ले आऊँ। वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के, उनकी टीम से मिल के, हमने 8-10 अपना मीटिंग्स की उनके साथ, उनको कन्विंस किया। उसमें आपको डिटेल बताता हूँ उसमें क्या है, उसमें भी थोड़ी सी कमियाँ रह गई हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगा, जिसको हमने अभी आगे जी प्लीज, क्योंकि इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना है। अभी ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, ऑर्डिनेंस जारी रहेगा 3 महीने के लिए होता है, जब तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगा कोई बिजनेसमैन उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपको सिक्योरिटी नहीं है। तो सिक्योरिटी जब मिलेगी उसके बाद ही लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें ब्यूरोक्रेसी हमारी कहती थी कि इसको जो है ना जून में जाके कहीं अपना बजट पेश होता है, फिर जून में जाके उसके बाद अपना ये हमने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो फिर वो कहते थे कि इसको 30 सितंबर तक टाइम रखें। हमने कहा भाई 30 सितंबर ना रखें, 30 सितंबर 3 महीने का टाइम, आपने उसमें LCs भी खोलनी है, आपने डिक्लेयर भी करना है, वो पॉसिबल प्रोसेस है, उसमें पॉसिबिलिटी तंग होंगे लोग, आप इसको फेलियर तो नहीं करना चाहते, कामयाब करना चाहते ना। तो हमने उसकी डेट उनसे करवाई है 31st December 2022। उसमें आप अपने LC भी खोल सकते हैं, अपने डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, और कोई रकम आपकी किसी बैंक में पड़ी है, कोई मिस जो अनडिक्लेयर आपने जो नहीं कर सके, जो प्लाट है या कुछ है, कोई आपके फॉरेन करेंसी है, हर किस्म की चीज़ आप लाएं और आप उसको करें, उसको लीगलाइज कर सकते हैं, आपको लीगलाइज कर सकते हैं। और ये 75 साल तारीख में
पहला मौका कि एक बहुत ही खूबसूरत अपना गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है, एमनेस्टी स्कीम कह लें, पैकेज हम कहेंगे क्योंकि इसमें फेडअप आपको तंग करता है तो हम इसको पैकेज ही कहेंगे। तो बहुत अच्छा पैकेज है, इसमें करना चाहिए। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी सी बताता हूँ। एक तो हमने किया है SMEs के लिए किया है कि 2.5 उसका रेट किया, वन टाइम आपको देना पड़ेगा और 20 करोड़ तक वो शो कर सकते हैं, वो हमने करवाया। फिर हमने कहा जी 20 करोड़ से ऊपर जो भी करेगा वो 5% देगा वन टाइम और उसकी सारी जो है ना वो वाइट हो जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएगा उसमें। तो जो अनप्रोडक्टिव मनी जो लोगों के पास पड़ी है उसको आप लेके आए, उस प्रोडक्टिविटी में लेके आए, आप अपनी इंडस्ट्री लगाएं, सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर है। जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो जॉब क्रिएशन होंगी, डिजिटलाइजेशन होगी, यहाँ पे प्रमोट जो एक्सपोर्ट प्रमोशन होगी, हमारे जो इम्पोर्ट है उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, ये सारे काम होने हैं उसके बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा पैकेज है, लोगों को इसमें आना चाहिए, अवेल करना चाहिए और पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहिए। हम इस वक्त हैं 5.37 GDP रेट है हमारा परसेंट का। इंशाल्लाह अगर ये लोगों ने अवेल किया और लोग इसमें जो तक शामिल हुए, इसमें जब लोग शामिल हो जाएंगे तो यही हम इंशाल्लाह GDP रेट जो ना, मेरा अपना ख्याल है हम 6 और 7 के दरमियान में होंगे आने वाले सालों में। तो इसकी एक तो एक कम्प्लीशन डेट भी हमने 2024 रखी है जून, ताकि लोग आराम से अपने उसको कंप्लीट भी कर सकें, कंप्लीशन भी हो सके, इसमें सिक्स यूनिट पे भी लगा सकते हैं आप अपने बिजनेस को, जो ओल्ड आपकी है इंडस्ट्री उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, फिर एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, फिर आप नई जो लगा सकते हैं, तो आपको कोई नहीं हो। फिर इसमें हमने सबसे बड़ी बात है कोई पॉजिटिव लिस्ट नहीं बनाई, हमने नेगेटिव लिस्ट की एक बनवा दी कि जो जो चीज़ हम नहीं कर सकते, बाकी हर किस्म की इंडस्ट्री आप लगाएं आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसमें सब तीन की बातें हैं जो कि अभी हमने गवर्नमेंट से इंशाल्लाह एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले हमने करवानी है। एक उन्होंने कह दी कि पिछली जिसने अवेल किया है एमनेस्टी वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखिए उसमें मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी इसमें हमने कदम नहीं लगानी चाहिए, इससे चीज़ें रुकेंगी। जहाँ भी जिसके पास भी जो आपके पास अपना अंडरग्रेड कोई रह गया है, कोई मनी है या कुछ है, तो उसको अपना लेके आना चाहिए, हमें खुली इजाज़त देनी चाहिए, उसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया। मेरा अपना ख्याल है कि हमें जो जिसने जो पिछली प्रीवियस एमनेस्टी प्रोग्राम था उसको जिसने अवेल किया उसको भी इसको मौका मिलना चाहिए कि हम इंशाल्लाह इसको करवाएंगे। फिर इसमें उन्होंने कहा था कि जी बैंक डिफ़ॉल्टर नहीं आना चाहिए, हम उनके साथ हैं, बैंक डिफ़ॉल्टर को हम नहीं आने देंगे, बट हम चाहते हैं कि BMR भी हो, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट, हम वो भी चाहते हैं कि ये हो, ताकि हमारी जो अपनी जो पुरानी अपना जो जुड़न लगे हैं उसको हम बेहतर तौर पर कर सकें और उसको आगे लेके चल सकें, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी हो जाए। लेकिन मेन हमारा वही है कि जो एमनेस्टी है सब के लिए हो और हर बंदा इसमें आ सके। चलें फिर इसमें एक जो दूसरा एस्पेक्ट है जो अपना लोगों को शायद नहीं पता कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा एक हमने पैकेज इसमें दिलवाया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे उनको 5 ईयर्स हॉलीडे टैक्स हॉलीडे मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मौका है और जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं समझता हूँ दुनिया भर में ऐसे हुआ, इंडिया में, चाइना में, सब जो ओवरसीज़ थे वो सारे आए, उन्होंने आके पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंटें की और फिर इस जो इतनी आपको एक फैसिलिटी मिली है 5 ईयर्स हॉलीडे की, इसको अवेल करें, लगाएं, इस मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आगे बेहतरी की तरफ जाएगा। सर इस पर मज़ीद बात करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने ओवरसीज़ की जी। लेकिन उससे पहले हम एक स्मार्ट से ब्रेक लेंगे, हम मिलते हैं नाज़रीन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मैं गया हूँ 3 या 4 बार इंडिया, इंडिया फिकी है, फेडरेशन ऑफ इंडिया है जी जी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, कोई पॉलिसी उनसे पूछे बगैर नहीं आती। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में आज सफ़र में हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इरफान इकबाल शेख साहब। शेख साहब, लाहौर वालों को आपके ग्रुप से और आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, नो डाउट, क्योंकि बहुत ज़्यादा काविश रही है इंशाल्लाह ये इलेक्शंस के सारे टिनोर में आपको आगे लाने की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी। तो सर ये अभी आप बात कर रहे थे ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए, किसी भी चीज़ की इकॉनमी की बैकबोन जो होती है उसमें ओवरसीज़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वेरी वेरी स्टार्ट डे से ये कहते रहे, उनका कहना भी है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा मज़ीद बताइएगा कि ये उनको मार्केट कैसे किया जाएगा, उन तक ये मैसेज पहुँच गया है जो मिनिस्ट्री का, और वो किस तरह से ब्रिज का रोल आप अदा करेंगे इसमें। इसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत है हमें अपने उन पाकिस्तानी को एड्रेस करने की जो बड़े अमीर पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं,
अब वो अमेरिका में है, यूके में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में है, यूरोप में वो उनके पास दे कैन इन्वेस्ट है, तो हम चाहते हैं कि उनको पूरा दें। उसके लिए हमने एक प्लान किया है, हम इंशाल्लाह एक कॉन्फ्रेंस करने लगे इंटरनेशनल, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान करेगी, ताकि जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे हमारी एसोसिएशंस हैं, उन तमाम एसोसिएशंस को हम एड्रेस करेंगे, उनके साथ हम रबते करेंगे, ताकि उनको बुलाया जा सके, उनको भेजा जा सके पूरा, ताकि उनको पता चल सके, अवेयरनेस हो सके और हमारे साथ इसमें शामिल हो सके। एक तो हमने काम ये करना है, जो मेरा जो काम है, जो क्योंकि देखिए आपके पास एक साल होता है, अब एक साल में आपने अपने टेन्योर को ख़त्म होने से पहले आपने काम भी करना है। तो मैं जब सोच के आया था, तो मैं ये सोच के आया था कि मैंने इस मुल्क में जो सबसे पहली ज़रूरत है वो है आपकी पॉलिसीज़ को ठीक करने की, आपका डाटा करेक्ट करने की। आपका डाटा करेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपकी प्लानिंग उस तरह से फ्रूटफुल नहीं होती, क्योंकि डाटा करेक्ट नहीं है। तो हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में मेरे से पहले जो प्रेसिडेंट थे, मैं उनको ज़रूर इसका क्रेडिट दूंगा, नासिर याद मगू साहब, उन्होंने एक फाउंडेशन ले डाउन कर दी है कि हमने R&D का एक सेक्शन बना दिया। अब हम उसमें इस तरह से कर रहे हैं कि अब हम उसमें लेके आ रहे हैं 5 PhDs और 5 हम इकोनॉमिस्ट इसमें शामिल कर रहे हैं। हम उसमें कोई 15 के करीब रिसर्चर शामिल कर रहे हैं, और इस वक्त तक मैं 12 अपने जो ना 12 से 13 बंदे जो मैं अपना इंडक्ट कर चुका हूँ उस टीम में। फिर हम अपने बिजनेसमैन जो है ना, उनको जो थिंक टैंक है वो लोग लेके आएंगे तकरीबन 10 से 15, और कुछ ब्यूरोक्रेट हम 2-3 लाना चाहते हैं जो एक्सपीरियंस हो, जिनको चीज़ का पता। फिर तीसरा हम टेक्नोक्रेट्स, तो हम बंदे साथ लेके, ये टीम बनेगी तकरीबन 30 बंदों की। हमने पॉलिसीज़ को एड्रेस करना है। हमने आपके इतला के लिए कि हमने पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि पाकिस्तान R&D में बिल्कुल लैक करता है, तो हमने पहली बार 3 पब्लिकेशन कर दी हैं। हमने आपके सिंध गवर्नर हाउस में हमने 3 पब्लिकेशन जो ना हमने कर दी, पब्लिश कर दी हमने, और हम हर महीने इंशाल्लाह 2 पब्लिकेशन देंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स की विद करेक्ट डाटा, और प्लस उसकी डिटेल्स में प्रॉब्लम जो है वो, और फिर उस प्रॉब्लम की को रिजोल्व करने का इम्प्लीमेंटेशन का तरीका। क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग हमारे यहाँ पहले तो प्रॉब्लम तो आपने बता दी, बट उसको रिजोल्व करने का और इम्प्लीमेंटेशन करने का और एग्जीक्यूशन का भी, और एग्जीक्यूशन का, जिसकी वजह से यहाँ पॉलिसी चल नहीं सकी। अब हम उन सारी पॉलिसीज को देखने, हमने हर महीने इंशाल्लाह 2 अपना सेक्टर्स को करना है, तो हम इंशाल्लाह इस साल में कोई तकरीबन 24 सेक्टर्स को हम अपना डिस्क कर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि यही काम होता है आपकी फेडरेशन का, जो आने वाले ये 2-3 साल हम इस तरह से कर गए, अच्छा इसको बना गए, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह फेडरेशन जो पूरी दुनिया में काम करती हैं वो यही काम होती हैं, उनका काम ही पॉलिसीज का। जब देखें, मैं गया हूँ 3 या 4 बार इंडिया, इंडिया फिकी है, फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जी जी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, कोई पॉलिसी उनसे पूछे बगैर नहीं आती, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, स्टेक होल्डर्स और वो सब लोग इसमें शामिल होकर देते हैं, ताकि आप जो भी लेके आ रहे हैं पॉलिसी वो कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, और लोग उसको, बिजनेस कम्युनिटी उसको कबूल करे, ताकि लेके चले साथ, आपके संग चले। तो इंशाल्लाह ये सारा का सारा काम हमने करना है वहाँ पे। उनके पास खैर हमसे बहुत ज़्यादा है, उन्होंने तकरीबन 10-12 इकोनॉमिस्ट रखे हैं, 10-12 उन्होंने वो रखे हैं, थिंक टैंक बड़ा अच्छा है उनका, और बड़ा अच्छा उसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह उसी तर्ज में, उसी तरह से हम यहाँ पे हमने बना दिया, अब हम उसके ऊपर काम हमने शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह हम अपना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ठीक कराएंगे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज में इंटरवीन करेंगे, और वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह आने 3-4 सालों में, कि जब गवर्नमेंट हमारे से पूछे बगैर पॉलिसी नहीं बनाएगी, कि स्टेक होल्डर्स को मशावरत साथ शामिल करेगी और उनसे लेके चलेगी इंशाल्लाह बजट भी इंशाल्लाह। अरफान साहब, मौजूदा गवर्नमेंट की मौजूदा पॉलिसी से आप सहमत हैं, सेटिस्फाई आप? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से भी बात करें, देखिए बेशुमार अपना चीज़ें ठीक होने वाली हैं, सच्ची बात है। पॉलिसीज़ को पहले तो हमने करेक्ट करना है, फिर हमने इतनी देर में टेन्योर खत्म होने वाला सर हो जाता है? देखिए, हम दिन रात काम करने वाले बंदे हैं, इंशाल्लाह काम करेंगे। लाहौर चैम्बर में मुझे लोग कहते थे कि जी आप इतनी देर से काम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, मुझे आई नो ये भी काम हमने करना है, और जाने से पहले करके जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं करके जाऊँगा इंशाल्लाह। दूसरा जो काम हमने करना है वो हमने करना है कि यहाँ पे हमारे पास देखें, जितने भी आपके इंटरनेशनल फोरम्स हैं, हमारे जितने भी बिजनेस काउंसिल हैं जी, वो अपना काम सही तरह से करते हैं। फिर गवर्नमेंट ने जो
ऑफिसर अपॉइंट किए हुए बाहर जो अताशीज होते हैं, कमर्शियल कमर्शियल अताशीज कौन से, उनका तो रोल ही नहीं है। आप देखा जाए अगर आप इंडिया से भी कंपेयर करें तो दुनिया में ऐसे होता है कि वो अपना ट्रेड के लिए तो वही करते ही वही है। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ वीजा लगवाने के लिए सिर्फ वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के सोल्ट से एग्जैक्टली नहीं ठीक कह रहे हैं, बस बेशुमार की बात है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ मोस्टली यानी कि ये बात करें, लेकिन इंशाल्लाह अब हम इसके ऊपर करते हैं। हमने हम सारा एक जो ट्रेड ऑफिसर्स को हम बुला रहे हैं, हम अपने पास बुलाएंगे, उनके साथ हम मीटिंग्स करेंगे, और हर हर बंदा जो जिस मुल्क में है, जिस शहर में है, जिस तरह से भी है, हमने उनको एक पूरा एक के किताबचे बना के देने कि आप किस से यहाँ पे काम करें, किस को साथ लेके चलें, बी टू बी मीटिंग्स कैसे होती हैं, बड़े किसको हमने अपना टैप करना है, और किस किस अपना बिजनेस हमने जो जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं उसको लेके हैं। तो ये सारा इनको इसके ऊपर एक प्रोग्राम बना के हम कर रहे हैं। एक हम काम कर रहे हैं जो इंशाल्लाह हमने करना है मई में, जो मेरी डेट है कि हम आईटी कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। सर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुल्क में देखिए आप हम यहाँ पे 2.5 में थे, अब कहते हैं कि हम जून तक शायद 3.5 बिलियन तक हम उसको आ जाए, टच कर जाएंगे, बट आप जब अपने नेबर में देखें तो इंडिया 152 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है आईटी की, हम कहाँ पे हैं। हमने इसके ऊपर काम करना है, मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काम जब करेंगे और प्रॉपर तरीके से जब करेंगे तो फिर ये हम इसको 7-8 बिलियन तक ले जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ना आईक्यू में सर, अगर वो भी टैक्स फ्री रहा, जैसे प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर ने इसको बस स्कीम दे दी है, प्राइम मिनिस्टर ने इसको बहुत अच्छा पैकेज दिया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों का सबसे बड़ी बात होगी, जितनी भी मनी उनको मिलती थी जो होती थी डॉलर्स में, सारे बाहर पार्क होती थी, अब वो सारे लोग यहाँ पे मंगवाएंगे, उनके लिए भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स है, वो मैंने जाके इंशाल्लाह मीटिंग करके उसको प्रॉब्लम्स को भी दूर करना, ताकि यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी अपने सारे पैसे यहाँ पे ला सके विदाउट चार्जेस के, विदाउट चार्जेस के। हम 24/7 जो है ना, हम चाहते हैं कि बैंक जो हमारे लोकल बैंक जो हमारे हैं वो सर्विसेज दें, लाइक हुंडी वाले जैसे करते थे, वो आप घंटे में आपको किसी का बाप फोत हो गया उसको पैसे चाहिए, घंटे में पैसे उसको मिल जाते थे, इसलिए वहाँ से करवाते थे, यहाँ बैंकों से भेजते दो दिन बाद पहुँचते थे। तो हम इंशाल्लाह ये 24/7 सर्विस जो देंगे ना जब, तो उसमें ये होगा कि विदाउट चार्जेज जब आएंगे तो लोग सारे बैंक को प्रेफर करेंगे वहाँ के, उसके थ्रू आए क्योंकि वो सेफ़ है। तो इंशाल्लाह ये भी इसके ऊपर हम काम करवा रहे हैं, ये भी हमने काम करना है। आईटी को हमने बहुत आगे लेके जाना है, आईटी के ऊपर बहुत काम हो सकता है, आईक्यू में हम कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ एक मसला है थोड़ा सा इसमें बेसिक। इंडिया के सब जब मैंने चेक किया तो इंडिया ने सबसे पहले काम किया कि सिलिकॉन वैली इज़ अ हब अमेरिका में है, उन्होंने वहाँ पर 3 बिजनेस हाउस वहाँ पर तैयार किए। अब वो बिजनेस हाउस वहाँ पर तैयार हुए तो उन्होंने अपने जो मुल्क के लोग हैं, जो उनके आईटी के अपना मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उनको उन्होंने बिजनेस वहाँ से लेके देना शुरू किया। क्योंकि देखें, आप जब तक आपका कॉन्टैक्ट नहीं होगा, जब तक आप आपकी लॉबिंग नहीं होगी, जब तक आप अपनी मार्केट सही नहीं करेंगे, कभी भी आपको बिजनेस नहीं मिलता। तो मेरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, मैंने किया भी है इंशाल्लाह, इसके ऊपर काम भी करना है कि हम वहाँ पर एक बिजनेस हाउस गवर्नमेंट की तरफ से खुलवाएंगे, फिर उसी के थ्रू हम अपना बिजनेस लेंगे। जो लोगों को वीज़े नहीं लगते, जो लोग जा नहीं सकते वहाँ पे, वो जाएं, आईटी वाले जितने हमारे लोग हैं वो जाके 1-to-1 मीटिंग, बी टू बी मीटिंग्स करें, उनके साथ मिलें, उनके साथ बात करेंगे, इंशाल्लाह बिजनेस देखें आप कैसे फ्लो होता, क्योंकि दुनिया चलनी है इसके ऊपर ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उसी ने आगे चलना है, और उसी पे काम हो रहा है, और इतना काम हो रहा है कि अनबिलीवेबल किस्म के काम हो रहे हैं, और हमने इंशाल्लाह इसको टैप करना है, उसी के ऊपर हमने रहना। फिर हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन ISO सर्टिफिकेशन, दूसरी सर्टिफिकेशन इतनी महंगी है कि हमारा SME जो है ना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, 50 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेचारे। हमें यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट वो लैब चाहिए, हमें सर्टिफिकेशन अपनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट, ताकि लोग जो ना SMEs वाले, छोटे वाले, बड़े वाले तो कर लेते हैं, पर छोटे बिल्कुल अपना एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, उनको भी मौका मिले और हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। हम एक्सपोर्ट इस बार 31 के करीब हम उसको टच करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर ये सारे काम हम कर गए तो इंशाल्लाह ये एक्सपोर्ट हम 57 बिलियन का जो हमने टारगेट रखा कि हम 2025 में हम वो टारगेट 100% अचीव करेंगे इंशाल्लाह। ये पैकेज की वजह से, ये आईटी की वजह से, एग्रीकल्चर को हमें बहुत बेहतर करना है। एग्रीकल्चर हमने 25 साल से काम ही नहीं किया उसके ऊपर, आप यकीन मानिए, मैं इत्तेफाक से मैंने कुछ थोड़े लैंड दिए, कुछ 4 मुरब्बे करीब मैंने देख लिए, मैंने देखूँ कि इसमें होता क्या, लोगों को पता ही नहीं है, ना टेक्नोलॉजी उनके पास है, ना उनके पास मशीनरी है नई टेक्नोलॉजी वाली,
पुराने कन्वेंशन तरीके से चल रहे हैं, वही 22 से 28 30 मन जो है ना आपकी गंदम आ रही है पर एकड़, जबकि दुनिया में 70-80 मन आराम से दी जा रही है। हम साया मुल्क हमसे ले रहा है, हमने इसके ऊपर काम करना है, हम वहाँ पे मॉडल अपना बनाएंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे सारे उसके ऊपर भी, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर हम पूरा ही काम करना चाहते हैं इंशाल्लाह, और वो हमने करना है। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे यकीन है कि जहाँ पर आप जैसे एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव किस्म के इंसान बैठे हों, क्योंकि लाहौर चैम्बर के एग्जांपल हमारे सामने है, और मुझे याद है वो दौर जब मैं आपसे मिला था पहले इंटरव्यू के दौरान, और जितनी बातें आपने की थी बाद में हमने सालाना जो उसकी रिपोर्ट पढ़ी थी वो उसके ऊपर वाकई इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि इंशाल्लाह आप हैं इधर और ऐसा ही होगा आपके टेन्योर में। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं एक स्मार्ट सा ब्रेक लूँगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ है इकबाल, इरफान इकबाल शेख साहब, हम मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। मेरा ख्याल है कि ना कभी आज तक किसी पिछले प्रेसिडेंट ने काम किया और ना ही आने वाला कोई प्रेसिडेंट इन तक पहुँच सके। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में मैं प्रेसिडेंट फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ मौजूद हूँ, और हमारे साथ एक और एक अच्छी शख्सियत है, इत्तफाकन उनसे आज बात होगी इरफान साहब से मुतल्लिक भी, और उनकी अपनी भी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, और मैंने उनसे प्रॉमिस भी लिया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू उनके साथ भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जी नदीम कुरैशी साहब, जो कि रीजनल चेयरमैन और वाइस प्रेजिडेंट है FCCPI। सर, कैसे हैं आप? हरियत से हैं? अलहमदिल्ला। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि जितनी बातें इरफान साहब ने की हैं और आपने इनको चैम्बर में भी देखा है, और मुझे भी इत्तफाक हुआ इनकी शागिर्दी में रहने का, एक साल इसी मैंने भी इनके साथ की है, और मैं समझता हूँ कि उस कोविड के दौरान ही, असल बात ये है, असल जी कि वो कोविड का दौर था जब लोग शायद KN95 पहनते थे और इरफान साहब बगैर मास्क के भागते थे, और हम खुद कहते होते थे कि इरफान साहब मास्क तो पालो। और आप यकीन करें कि जिस दिन रात मेहनत के साथ इन्होंने काम किया, अनबिलीवेबल। मेरा ख्याल है कि ना कभी आज तक किसी पिछले प्रेसिडेंट ने काम किया और ना ही आने वाला कोई प्रेसिडेंट इन तक पहुंच सके। नहीं पहुंच ये सके। ये तो सफ़र था इनका, जो चैम्बर का सफर, लाहौर चैम्बर का सफर। और मैं समझता हूँ कि FPCCI के हवाले से बेसिकली इन्होंने आपको बड़ी वजाहत के साथ बताया कि इट्स एपेक्स बॉडी, और मैं समझता हूँ कि ये फेडरेशन की खुशकिस्मती है कि इरफान साहब जैसे प्रेसिडेंट हमारे पास आए। नो डाउट। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे फिर एक दफ़ा मौका मिला इनकी शागिर्दी में काम करने का। और इनका मोटिव सिर्फ एक ही होता है कि काम और बस काम। और मैं समझता हूँ कि जब से आज ये आए हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, आज भी आप देख सकते हैं कि आप किस टाइम पे किस वक्त में लोग घरों में चले जाते हैं, लेकिन ये शायद उस वक्त होते हैं जब सारे लोग सो जाते हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा कमाल है, और मेरा ख्याल है कि इस एपेक्स बॉडी का चेहरा बदलने के लिए इरफान साहब का आना बड़ा ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह तारा मेरे अल्लाह ने चाहा तो, जहाँ तक टर्नओवर की बात है, इनकी बहुत बड़ी एफर्ट्स होगी कि अगर ये टर्नओवर 2 साल में चला जाता है, बल्कि वो इनके लिए शायद नुकसानदेह होगा, लेकिन इस बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतर होगा अगर ये 2 साल हो गए। और अगर ये इसका 2 साल हो गया इनके टर्नओवर के अंदर, तो ये एपेक्स बॉडी जो अभी इरफान साहब बात कर रहे थे, फिक्र की बात कर रहे थे, या फिर यूरोप की फेडरेशन की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी वो यूरोप वाली आपको फेडरेशन बॉडी नज़र आएगी जो कि दुनिया के अंदर होती है। यहाँ तो आपको इस एपेक्स बॉडी को किसी को बुलाने के लिए खत लिखना पड़ता है, वहाँ पे एपेक्स बॉडी के पास लोग जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि हमें ये मसाइल दरपेश हैं, हमें इसका हल बताएं। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इरफान साहब इतने कैपेबल हैं कि बहुत सारी बातें ये ज़ाती अपनी रिलेशन से मनवाते हैं, और अभी तक हमारा जो एपेक्स बॉडी का ग्राफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो इन्होंने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी कि आपको पता है कि अभी गोरख धंधा में भी FPCCI फंसी हुई है, कोर्ट के सीजन में फंसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देर मेहनत करके इस सारी चीज़ों से निकल के
इस एमनेस्टी का अनाउंस होना ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इसकी जो अनोमलीज रह गई हैं मैं 100% मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है कि क्योंकि ये एक दफ़ा जो कह देते हैं बस उसके बाद फिर ना नहीं होती फिर जब तक वो पूरा नहीं होता उसकी जान नहीं छोड़ते तो ये इनके अंदर बहुत बड़ी खूबी है और मुझे बहुत बड़ी इंस्पायरेशन चैम्बर में भी मिली थी और यहाँ आके भी मुझे यकीन माने कि हमारा और हौसला बढ़ गया कि अगर ये 24/7 कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट साहब आप कैसे हैं तो डेफिनेटली पूरी टीम और आप यस इस पर कोई शक की गुंजाइश नहीं नदीम कुरैशी साहब मैं तो इरफान साहब को अल फतह के ज़माने से जब ये भाग रहे होते थे इधर उधर क्लाइंट्स के पीछे फीडबैक लेने के लिए और फिर लाहौर चैम्बर और अब अल्लाह ताला जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और बिज़नेस कम्यूनिटी की इनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ग्रुप से तो नो डाउट मेरा नहीं ख्याल कि इरफान साहब से बेहतर कोई चॉइस होगी सबके लिए इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि देयर विल बी नो चॉइस और मेरी अल्लाह से भी दुआ है और इरफान साहब से भी गुजारिश यही है कि खुदा के लिए आप बाकी जहां काम करवा रहे हैं ये इनको साल का मौका और ले लें ताकि हम एक दफ़ा और बहुत अच्छी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इनकी टीम का हिस्सा बनूँ क्योंकि मैंने वहां इनका डिलीवर करते हुए और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया सीखने का भी और डिलीवर करने का भी इंशाल्लाह ताला हम इनके फ्रंट एंड के सिपाही हैं और हर वक्त इनके साथ हैं और हम इनकी गाइडेंस में रहते हुए इंशाल्लाह ताला ये अपेक्स बॉडी को वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे आज तक 50 साल के अंदर ये फेडरेशन नहीं बनी चले इंशाल्लाह जी बहुत अच्छी बात है नदीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब बातें तो बहुत सारी अभी भी करने को टाइम की बंदिश है इससे आगे भी जहाँ और हैं शायद किसी मुलाकात में इससे भी बड़े डेजिग्नेशन के साथ मैं अगला इंटरव्यू आपके साथ करूँ तो मैं दोबारा से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने कीमती यानी कि स्क्वेजुअल में से मुझे टाइम दिया है और आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है हमेशा की तरह हमारे स्पॉन्सर कंपनी मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से जिन्होंने आपको आपके लिए गिफ्ट भेजा है जो आपको याद दिलाएगा बतौर प्रेसिडेंट कि पाकिस्तान का एक अच्छा ब्रांड आपके साथ खड़ा है अब भी सर ये आपके लिए गिफ्ट है थैंक यू कश्यप साहब की तरफ से स्पेशली उन्होंने इस्लाम भी भेजा था माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है मॉडल स्टील और मुझे उम्मीद है कि जिस मेहनत के साथ वो काम करते हैं उनके बिजनेस में उनकी उसमें डेफिनेटली और तरक्की होगी इंशाल्लाह अच्छा तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है यार एक मशवरा तो दो हाँ कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो इसमें क्या खास बात है मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है जहां पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है सिर्फ दावा नहीं किया जाता अरे यार मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है मॉडल स्टील मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ